हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आप लोगों का यूपीपीसीएस 2020 वाला एग्जामिनेशन भी आने वाला है और साथ में यूपीएससी 2020 वाला एग्जामिनेशन भी आने वाला है। इन दोनों एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट किया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों के 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, ये सीरीज़ अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, क्योंकि मैंने आप लोगों की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री काफ़ी हद तक कवर करा दी है तो इसलिए पहला क्वेश्चन वहीं से रखा है जिससे कि आप लोग इजीली समझ पाएं। तो ये टॉपिक हमने कवर कर रखा है, देखते हैं क्वेश्चन को। द मेन रीज़न फॉर द वीकनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वर, स्वदेशी मूवमेंट के वीकनिंग के मेन रीजन्स क्या क्या रहे, स्वदेशी मूवमेंट क्यों कमज़ोर पड़ गया। पहला ऑप्शन है द ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द पब्लिक बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पब्लिक को बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस किया, सप्रेस किया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द कांग्रेस। फ्रेंड्स, ये वाली बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए, तो ऑप्शन टू भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थ्री देखते हैं, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू सस्टेन द मूवमेंट आउटसाइड द बंगाल। मूवमेंट को बंगाल के बाहर चलाने के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर थ्री भी सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने मूवमेंट को बंगाल के बाहर फैलाया था मेजरली, तो ऑप्शन थ्री भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, अरेस्ट एंड रिटायरमेंट ऑफ मेजर लीडर्स, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्हें सप्रेस किया गया था, काफ़ी सारे लीडर्स को डिपोर्ट कर दिया गया था, कुछ लीडर्स को जेल में भी भेज दिया गया था। जो मेजर लीडर्स हैं उन्हें सप्रेस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और कुछ लीडर्स ने रिटायरमेंट भी ले ली थी, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस वर पास्ड इन द कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। देखिए, ये मैंने आप लोग को बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से रेजोल्यूशंस पास किए गए थे कांग्रेस के 1906 वाले सेशन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिला देती हूँ, कांग्रेस के 1906 वाले सेशन में, जिसे हम कलकत्ता सेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी रहे थे। तो देखिए, इसमें क्या क्या रिजोल्यूशंस पास हुए थे। स्वदेशी पास हुआ था,
उस टाइम पे हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और बॉयकॉट उसका एक मेजर टूल था, तो बॉयकॉट भी पास हुआ था। नेशनल एजुकेशन, मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड, जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था उसका एक और मेजर कंपोनेंट था वो आत्मशक्ति पर बिलीव करता था। तो हमारी कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज भी आई थी उस टाइम पर, समितिज भी आई थी, और जो एजुकेशन है वो इंडियंस द्वारा होनी चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन के बारे में भी रिजोल्यूशन पास हुआ था। और सेल्फ गवर्नमेंट फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये सेशन अपने आप में हिस्टोरिक क्यों था। अपने आप में हिस्टोरिक इसलिए था 1906 वाला सेशन, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने सेल्फ रूल, सुराज की डिमांड की थी। तो फ्रेंड्स, चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से लिया है, आप लोगों ने पढ़ ली है। यहाँ पर आप लोग टेस्ट दीजिए और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस लेवल की तैयारी की है। और मेरे प्लेटफॉर्म से मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ एंशियंट इंडिया को भी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज वर सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट। इनमें से कौन कौन सी सिटीज एंशियंट इंडिया की मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड थी, मालाबार कोस्ट पर सिचुएटेड थी। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन अरिका मेडू। फ्रेंड्स, ये जो अरिका मेडू है ये पौंडीचेरी के पास है, और पौंडीचेरी हमारा कौन से कोस्ट पर आ जाता है, कोरोमंडल कोस्ट पर आ जाता है, ईस्टर्न कोस्ट पर आ जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये मालाबार कोस्ट पर नहीं है बल्कि कोरोमंडल कोस्ट पर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है मुजरिस। फ्रेंड्स, ये जो मुजरिस है ये हमारा केरल में है, और केरल कहाँ पर पड़ता है, मालाबार कोस्ट पर। तो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम जो है आज के नागा पत्तनम में के पास पड़ता है। जो नागा पत्तनम है वो कहाँ पर है, वो भी अगेन कोरोमंडल कोस्ट पर है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को आंसर मिल गया है, जो मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड है वो है मुजरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स घटिकाज एंड मठाज रेफर्स टू। आप लोगों को बताना है कि जो घटिकाज हैं और जो मठ हैं वो किस लिए फेमस थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो घटिकाज और मठ हुआ करते थे ये टेम्पल से अटैच्ड होते थे, और वहाँ पर क्या होता था, जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को ज्ञान दिया करते थे, और जो घटिकाज हैं ये हायर एजुकेशन से रिलेट किया करते थे। तो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दिया करते थे, तो इसलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आप लोगों को ये पेयर्स देखने हैं, एक तरफ वर्क दिया हुआ है, दूसरी तरफ ऑथर्स दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके। पहला है अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय किसने लिखा था, पाणिनि ने। ये बिल्कुल करेक्ट है, अष्ट अध्याय संस्कृत ग्रामर पर बुक है और इसके ऑथर पाणिनि हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बुक्स एंड उनके ऑथर्स प्रोवाइड करा रखे हैं, और उस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। सेकंड आ जाता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के ऑथर थे भरत मुनि, ये भी करेक्ट है। नाट्य शास्त्र एक बुक है जो कि डांस के ऊपर है, इसमें भाव, राग, ताल सभी चीजों के बारे में बता रखा है, रस वगैरह क्या होते हैं। तो ये किसने लिखी थी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट आ जाता है धातु पथ। फ्रेंड्स, ये जो धातु पथ है ये आर्यभट्ट का वर्क नहीं है। धातु पथ भी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। तो ऑप्शन वन एंड टू करेक्ट है, ऑप्शन थ्री बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एंड टू ओनली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिट्रा डोरा के बारे में। पिट्रा डोरा एक फॉर्म ऑफ आर्ट थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिट्रा डोरा।
It is a style of ornamentation that came into existence during the regnal year of Shahjahan. तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन तो था, डेकोरेशन करने का एक तरीका था, लेकिन ये किसके टाइम पर आया था पहली बार? जहांगीर के टाइम पर आया था. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. जो पहली इमारत बनाई गई थी पिटरा डोरा को यूज करके वो थी एतमाउद्दौला का मकबरा. सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस स्टाइल कार्व्स फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स ऑन द वॉल्स ऑफ मोन्यूमेंट. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इस आर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, फूल पत्तियां बनाते हैं और उनके बीच में क्या लगाते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जैसे कि हमारा जडे हो गया, अगेट हो गया, लैपिस लिजोलिस, ये सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते हैं फूल पत्तियों के बीच में, जिससे कि वो रात को कैंडल्स की लाइट में बहुत ज़्यादा जगमगाते थे उस टाइम पर. थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, दिस स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन वॉज एक्सटेंसिवली यूज ऑन द वॉल्स ऑफ ताजमहल. ताजमहल की दीवारों पर इस स्टाइल का भरपूर यूज किया गया है. तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एंड थ्री ओनली. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी. इसी तरीके के फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं यूपी पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी. तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें.